नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, वसई विरार महानगर पालिका, जहां हर थोड़े दिनों के अंतराल में मोर्चे, आंदोलन और उपोषण होते हैं, उसी वसई विरार महानगर पालिका में आज एक बार फिर एक बड़ा ठिया आंदोलन देखने को मिला। दरअसल वसई विरार महानगर पालिका में जो समस्याओं का अंबार है वो खत्म होने की जगह बढ़ते चली जा रही है। इतनी बड़ी वसई विरार महानगर पालिका, 25 से 30 लाख की पॉपुलेशन वाली महानगर पालिका में एक भी ढंग का अस्पताल नहीं है। दिन रात पानी के लिए लोग तरस रहे हैं और ये काफी गंभीर मुद्दे हैं, लेकिन उसके बावजूद इन मुद्दों पर महानगर पालिका कुछ इतना अच्छा नहीं कर पा रही जितना उसको करना चाहिए। इसी मुद्दों को लेकर शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट ने आज वसई विरार महानगर पालिका मुख्यालय पर एक ठिया आंदोलन किया। आप जो तस्वीरें और वीडियो देख रहे हैं, तस्वीरें उसी आंदोलन की है। इस आंदोलन के दौरान शिवसैनिकों ने वसई विरार महानगर पालिका पर कई आरोप प्रत्यारोप किए और साथ ही साथ पुरजोर मांग उठाई। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वसई विरार महानगर पालिका में पिछले कुछ सालों पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने 200 बेड के अस्पताल का ऑनलाइन शिलान्यास किया था और करीब करीब 15 करोड़ की लागत का ये अस्पताल बनना था, जिसकी तरतूद महानगर पालिका में कर दी गई थी। उसके साथ ही साथ वसई अंतर्गत वसई का 24 घंटे काम करने वाला डीएम पेट्रिड अस्पताल, उसकी भी इमारत को बढ़ाया जाना था, उसमें भी व्यवस्थाओं को बढ़ाया जाना था, उसमें 5 करोड़ की तरतूद की गई थी। उसका शिलान्यास 2020 में तत्कालीन पालक मंत्री ने किया था और दोनों ही काम जस के तस है, उनमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। साथ ही साथ पानी की जो समस्या है, जो सबसे बड़ी समस्या वसई विरार की है, जिसपे कई चुनाव हो चुके हैं और अब भी नहीं पता कि कितने चुनाव इस समस्या पर लेकर होंगे। इस समय अभी अप्रैल का महीना चल रहा है, लेकिन अक्सर क्षेत्रों में मार्च से ही पानी की काफी कमी है। लोग पानी को लेकर काफी परेशान है, हैरान है। इससे आगे की वीडियो में आपने देखा है कि कहीं पे रात के 1 बजे पानी के लिए मोर्चा निकला है, रोड को जाम किया गया है, तो कहीं पे दिन के उजाले में तो होते ही है। तो शिवसेना ने यह मांग उठाई और इस मांग को लेकर आज मुख्यालय पर अपना ठिया आंदोलन किया। हालांकि यह आंदोलन पूर्व नियोजित नहीं था और पुलिस को इसकी सूचना नहीं दी गई थी, इसके लिए पुलिस को इस आंदोलन को काबू करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। शिवसैनिक जो ये मन बनाकर आए थे कि महानगर पालिका का घेराव करना है, उनको बैरिकेड लगाकर महानगर पालिका के ऑफिस के बाहर ही रोका गया। देखिए इस मामले से जुड़ी यह पूरी रिपोर्ट। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। Oh my God!
ये आंदोलन जो छोड़ा है, ये महानगर पालिका का 200 बेड का हॉस्पिटल है जो महासभा ने मंजूर किया हुआ है। महासभा ने मंजूर करने के बाद तत्कालीन प्रशासकीय काल में माननीय उद्धव बाला साहब ठाकरे जी ने उसका उद्घाटन किया है। जानबूझकर कई लोगों का प्राइवेट हॉस्पिटल से कोई लेन देन है, इसीलिए वो काम रोका गया, ऐसा हमारा स्पष्ट आरोप है। पानी का विषय, पानी जो वसई विरार को आता है उसको, पानी का जो सूर्य डैम का आता है वो वासवन से पंपिंग होके डुक्तन में जाता है, डुक्तन में फिल्ट्रेशन होता है, डुक्तन से काशीद कोपर आता है, काशीद कोपर में 20 MLD की टाकी है, 5 MLD जाता है वसई, 5 MLD नाला सोपारा, 10 MLD विरार। तो वो हिसाब से नाला सोपारा की लोकसंख्या ज्यादा है, वो हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। और वहां पे जो थ्रेड खोले जाते हैं प्रेशर के, वो जान बुझ के इलेक्शन नजदीक आने पे कम खोले जाते हैं, ऐसा हमारा स्पष्ट आरोप है। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786